अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका पूरा रोज़ा ये महीना बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। और अभी तो ईद की है आमद और मैं एक और ब्लॉग आप लोगों के लिए आई हूँ, शॉपिंग ब्लॉग। थोड़ा सा ये ब्लॉग मैं पहले अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन ये था कि मेरा जोड़ा नहीं बना था ईद का, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हूँ। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आए, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग में मैं दिखा रही हूँ आप सबको कि ये मैंने ईद का जोड़ा बनाया है। काफ़ी सालों बाद मुझे शौक़ हुआ कि मैं जाके खुद कपड़ा ले लूँ और एक डिज़ाइनिंग करूँ, क्योंकि मुझ में वो डिज़ाइनिंग का है कीड़ा, तो कभी कभार मैं कर लेती हूँ। पहले तो बहुत करती थी, अब थोड़ा सा कम कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत इस साल पता नहीं क्यों शौक़ हुआ कि मैं जाके ख़ुद ले लूँ कपड़ा, और इसी बहाने में वीडियो भी बना लूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं गई थी G10 मर्कज़, और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और वहाँ पे बहुत अच्छी दुकानें हैं। और ये एक शॉप पर मैं गई और यहीं से मैंने फ़र्स्ट शॉप और मैं यहीं से मैंने ले लिया। और इस शॉप में अच्छे कपड़े थे, आपको 3-3.5 हज़ार लेकर 4-5-4 हज़ार तक आपको 3 पीस ऑर्गेंजा शिफॉन इस तरह की, बल्कि लॉन कॉटन में भी एम्ब्रॉयडर्ड आपको मिल जाता है। उसके लिए सिर्फ आपको एक अस्तर लेना होता है और आपका पूरा सूट बन जाएगा। और लेकिन मैंने थोड़ा सा, मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी, मुझे एक टिपिकल नहीं बनवाना था वहाँ पे, हालांकि बहुत सारे थे, तो मैंने कुछ ये किया कि मैं ऑर्गेंजा मैंने अलग लिया, प्लेन शर्ट के लिए मैंने ऑर्गेंजा लिया और दुपट्टा मैंने एम्ब्रॉयडर ली, क्योंकि मुझे शर्ट पे प्लेन चाहिए था और उस पर लेस लगवानी थी और ट्राउज़र भी प्लेन। फिर उसको साथ टोटल भी बता दें क्या क्या लगा रहे हैं। उसको दुपट्टा ले रही हूँ मैं, अच्छा कमीज में कितना मीटर क्या दे रहे हैं, बन जाएगा ना, तो उसे लॉन्ग भी बना सकते हैं। फिर टोटल क्या बनेगा, थोड़ा सा कम करो, दुपट्टा क्या 2.5 मीटर दे रहे हैं, लॉन्ग दुपट्टा में संभालने में। ये दुपट्टा इसका शर्ट यहाँ पे टेलर स्टिच कर देते हैं ये वाले, इस टाइम अभी टाइम भी कम है, क्या कहते हैं। अच्छा ये मैं इसका ओलिया दुपट्टा बना रही हूँ, ये है इसका अस्तर और ट्राउजर, क्रेप का है कपड़ा है इसका, ज़्यादा मोटा भी नहीं है पतला भी नहीं है। और वो दुपट्टा और इसका ऑर्गेंजे का प्लेन शर्ट, इसके लिए फिर लेस लेना होगा, अब वो चैलेंज है, जाते हैं लेस देखने। क्या नाम है, अजीम फैब्रिक्स G10 मरकज, हाँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अभी तो यही गुंजाइश है, लेकिन सेम है ना, मैंने ले लिया ये वाला ग्रे है ना, हाँ वो भी अच्छा। अच्छा वैसे बता दें, मैं यूट्यूब चैनल के लिए बना रही हूँ ना, तो इनके अगर कोई वीडियो में देखे, इनकी इसकी क्या प्राइस है, इस 3 पीस की 35। अच्छा इसमें ये कलर है पर्पल है ना, 5 कलर है। अच्छा इसके लिए सिर्फ अस्तर लेना होगा, बाकी पूरा है। नहीं ये मैं अपने ले रही हूँ। अच्छा जो आप ऐसे बताएं, आपकी शॉप में कौन कौन से हर तरह के फैंसी कपड़े हैं,
सिल्क ऑर्गेंजा, एम्ब्रॉयडरी और डाई वाले भी है ना, ये वाले जो है डाई वाले। और ये यहाँ से हमने एक और सूट भी लिया, अम्मी के लिए ली थी, और वो भी बहुत प्यारा था। लॉन 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड वाइट चिकनकारी का काम था, और शिफॉन दुपट्टा एंड प्लेन ट्राउज़र। तो ये हमने 4.5 का बता रहा था, हमने 4,500 में ले ली। हाथ के काम है ना, एक ग्रोम पूछते भी थे स्किन कलर स्किन। ये खोले स्किन खोले, ये खोले जरा एक दफा, ये वाला अल्तो स्कार्फ में खाया दिल पूछते थे। बेजब कमजोर है, बेज पिंग और पहले हमारा ये प्लान था कि हम शायद फारिग हो जाएं इफ्तारी से पहले, लेकिन एज़ यूजुअल लेडीज़ का नहीं होता काम जल्दी ख़त्म। और हम लोग गए भी थे बहुत दूर से, बहरन क्लेव से G10 तक बहुत रास्ता होता है, तो हमने ही सोचा कि हम इफ्तार करते हैं बीच में, और जब दुकानें दोबारा खुलेंगी तो अपनी बाकी शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम उसी मरकज़ में बाज़ार के अंदर ही एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पे हमने इफ्तार की। और यहाँ मैं आई हूँ शॉप में लेस देखने, लेस की शॉप है। और ये बताती चलूँ कि मेरा ये प्लान था जब गया से कि मैं 3 से 4 हज़ार तक मेरा चैलेंज था कि मैं अपने लिए कपड़ा लूँगी लेस के साथ, और बिल्कुल मिनिमल डिज़ाइन होगा, और ये था मेरा चैलेंज। तो मैं कितना कामयाब हुई मैं आपको बताती जाऊँगी, एंड तक ज़रूर ब्लॉग देखिएगा। तो अभी तक जो मैंने अपना प्लेन ऑर्गेंजा दुपट्टा भी ऑर्गेंजा ट्राउज़र और अस्तर ली थी लाइनिंग का, तो वो 3500 में, 38 का बता रहा था तो मैंने 35 में लिए, तो 3500 में अभी तक मेरा ख़र्चा हुआ है। और अभी लेस का देखते हैं कि कितना खर्चा। लाइट गोल्ड में दिखा जैसे ये ना, बहुत अच्छा है डल गोल्ड। और लेस मैंने वही भी ज़्यादा महंगा नहीं लिया, 550 की लेस की कॉस्ट आई, तो 4,000। और दुपट्टा भी मैंने उसका वो किया था चारों साइड की पाइपिंग, तो वो भी 500 का वो कॉस्ट आया, तो 4,500 का मेरा ये पूरा खर्चा हुआ सूट का। एक शर्ट के लिए, कोट के लिए जो ऊपर थोड़ा सा पहन ले कोट स्टाइल, नहीं इतना हाफ जॉब वेस्ट कोट की तरह 2 गज से 2.5। अच्छा, मैंने अपना इस सूट का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि एक तो उसका उसकी कॉस्ट भी कम आती है सिलाई की, और उसमें दर्जे से गलती भी कम होता है। तो आप कोशिश करें जब आप खुद कुछ स्टिच करें तो ज़्यादा डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बताएं दर्जी को। तो मैंने प्लेन शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट गला दामन आस्तीन पे लेस लगाया, और क्योंकि दुपट्टे पे बहुत काम है मतलब ज़्यादा है, और प्लेन ट्राउज़र। आप पहले शोल्डर से स्टार्ट करें, 14 शोल्डर। क्या नाम है? खादिम हुसैन। 14 चेस्ट इसका रखिए, 19 चेस्ट इसी के करूँ, हमारे भी 19 हिप 22 दामन 24 बाजू 21 स्ट्रेट बाजू, और ये वाला 6, ये वाला 8,
और फाइनली ये मेरा ईद का जोड़ा बन गया है थैंक्स टू द टेलर कि उसने एंड आखिर टाइम पे भी बनाया है क्योंकि मैंने बहुत लीड दी थी उसको और ये ईद से 3 दिन पहले सी के आ गई है आ गया है जोड़ा और आई होप कि आपको पसंद आए ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे और मुझे बता दें कि आपको कैसा लगा मेरी डिज़ाइनिंग और ये वीडियो और इसकी मैं आपको टोटल कॉस्ट बता दूँ 2800 टेलर ने लिया है और टोटल जो है 7300 का मेरा ख़र्चा हुआ है इस जोड़े पे और ये फाइनली बन गया है।